Okay, in the last few weeks, we have been discussing this topic of auxiliary views. इसका आज लास्ट लेक्चर है. आई विल टेक वन और टू पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती हैं, एंड देन वी विल एंड विद दिस एंड स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इफ टाइम परमिट्स, दैट इज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस. सो जस्ट सेकंड. या सो बेसिकली ऑक्सिलरी व्यूज में अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि इन व्यूज की जरूरत क्या होती है. जरूरत ये होती है कि अगर हमारे पास तीन स्टैंडर्ड व्यूज अवेलेबल है, वन इज बेसिकली द फ्रंट व्यू, द टॉप व्यू एंड द साइड व्यू, व्हाई डू वी नीड ऑक्सिलरी व्यूज. टू अंडरस्टैंड दिस वी टुक दिस एग्जाम्पल जहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक सरफेस ए है. अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम को यूज करते हुए ड्रॉ करूं इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू लाइक दिस, तो हम नोटिस करते हैं कि ये जो ब्लू कलर की सरफेस है इसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, व्हेन आई से ट्रू रिप्रेजेंटेशन आई मीन दिस वर्टिकल, दिस स्लांटेड लेंथ, दिस स्लांटेड लेंथ, दिस लेंथ, द शॉर्टर वंस, दो शॉर्ट लेंथ हैं, दो लॉन्ग लेंथ हैं. ये एक पर्टिकुलर व्यू के अंदर हमें कभी भी एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही, हमें ट्रू साइज इनका नहीं मिल पा रहा. अगर मैं टॉप से देखूं तो ये वाली शॉर्टर लेंथ ट्रू लेंथ में मिल रही है, पर ये वाली नहीं मिल रही. अगर मैं साइड व्यू में देखूं तो अगेन मुझे ये सामने वाली लेंथ मिल रही है, ट्रू लेंथ है, बट ये वाली जो लेंथ है साइड के अंदर ये मुझे ट्रू लेंथ नहीं मिल रही. और अगर मैं इसे फ्रंट व्यू के अंदर देखूं तो स्लांटेड लेंथ ट्रू लेंथ में मिल रही है, पर मुझे शॉर्टर लेंथ नहीं दिख पा रही. सो इस चीज को टैकल करने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा व्यू बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी व्यू. और उस ऑक्सिलरी व्यू को हम बनाते हैं बेसिकली बिकॉज इट इज जब भी बनाते हैं इतना ध्यान रखना है ऑक्सिलरी व्यू बनाते हुए कि ये अभी भी हम ऑर्थोग्राफिक व्यू सिस्टम के अंदर ही है. दैट मीन्स कि हमारी जो प्रोजेक्टर्स हैं वो बेसिकली परपेंडिकुलर होंगे हमेशा प्लेन्स को, और वो हमेशा जो प्रोजेक्टर्स हैं आपके पैरेलल होंगे एक दूसरे को. आई रिपीट अगेन, ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर कभी नहीं बोलना कि आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन एंड दे आर ऑलवेज पैरेलल टू वन अनदर. सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने देखा था कि बेसिकली अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक सर्फेस है, दैट इज ए बी सी डी. सो इस सर्फेस की अगर आपको ट्रू शेप ढूंढने को बोला जाए तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के अंदर आपको इसकी ट्रू लेंथ नहीं मिलती बिकॉज ये एक इंक्लाइंड सर्फेस है. सो इसको ढूंढने के लिए हमें यूज करना पड़ता है एक ऑक्सिलरी प्लेन. सो ये ऑक्सिलरी प्लेन जब आप यूज करते हैं वो है बेसिकली आपका ये एक्स वन वाई वन प्लेन. ऑलराइट, इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये बेसिकली आपको एक लाइन की तरह दिख रहा है, बट दिस इज अ प्लेन व्हिच वी आर यूजिंग हियर. सो ये प्लेन की जब हम बेसिकली प्रोजेक्शन लेते हैं, सॉरी ये इंक्लाइन प्लेन की जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं यूजिंग दिस ऑक्सिलरी प्लेन, तो हमें ट्रू शेप मिल जाती है. अभी भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम यूज किया है. वी हैव आर ऑब्जर्वर, वी हैव आर ऑब्जेक्ट एंड वी हैव आर प्लेन एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग अ प्रोजेक्शन. ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम है. लाइन ऑफ साइट यहां से आ रही है, आप यहां से देख रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो और यहां से आपको इसकी ट्रू शेप मिल जाती है. फिर हमने समझा कि बेसिकली ये ऑक्सिलरी व्यूज को बनाने का तरीका क्या है. हाउ डिड आई अप्रोच दिस प्रॉब्लम, मैंने क्यों यहाँ पे ही आके अपनी रे ऑफ साइट को या लाइन ऑफ साइट को फोकस किया. उसको फोकस करने का रीजन ये था कि जब भी मुझे ऑक्सिलरी व्यू बनाना है, ऑक्सिलरी व्यू क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे एक सर्फेस की ट्रू शेप एंड साइज चाहिए. तो पहले वो सर्फेस के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एक एज व्यू ढूंढना पड़ता है. एज व्यू किस चीज को बोलते हैं, वो सर्फेस जिसका आपको ट्रू शेप और साइज बनाने को बोला गया है, आप ढूंढते हो कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू में कहां पे वो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंटेड है. दैट मींस कि जिस सरफेस का आपको ट्रू शेप साइज बनाने को बोला गया है, आप ढूंढते हो कि इन तीनों व्यूज में से कहां पे वो एक लाइन की तरह रिप्रेजेंटेड है. व्हेन आई से लाइन, इट मींस कि उसका एरिया कहां पे जीरो है. तो हमें पता लगता है कि ये एक फ्रंट व्यू है जहां पे ए बी सी, ये सी डी, चार पॉइंट्स जहां पे बेसिकली ए डी और बी सी ये इसको एज की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ए डी और बी सी आपके एज व्यू हैं, जैसे ही आपको एज व्यू मिल जाता है आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इस एज व्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक प्लेन पैरेलल में ड्रॉ करते हो. हमेशा याद रखना है, ये स्टेप को बाद में जाके मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा. यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि जब आपको एज व्यू मिल जाता है जो कि यहाँ पे है, एज व्यू के पैरेलल में एक प्लेन ड्रॉ किया जाता है
और फिर उस प्लेन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपनी ट्रू शेप एंड साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं, वो हमने समझे थे। जैसे यहाँ पे यही क्वेश्चन को अब थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखा था हमने कि आपके पास पहले आपने क्या ड्रॉ किया, एक ऑक्सिलरी प्लेन। ऑक्सिलरी प्लेन किस रेफरेंस में ड्रॉ किया, एज व्यू के पैरेलल में ड्रॉ किया है। जैसे ही एज व्यू के पैरेलल में आपने प्लेन ड्रॉ किया है, आपने यहां से प्रोजेक्टर्स गिराए हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्टर्स आपने परपेंडिकुलर गिराए हैं। परपेंडिकुलर क्यों गिराए हैं, क्योंकि अभी भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर ही हो। ऑक्सिलरी व्यूज आर अ पार्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ही है, ये चीज को नहीं भूलना। ऑलराइट, अब यहाँ पे बस ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि अब यहाँ से कुछ डिस्टेंसेज मेजर करने। स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ करते हैं, ये डिस्टेंस मेजर करने के अंदर। डिस्टेंस कौन से मेजर करने हैं, डिस्टेंस आप लोगे टॉप व्यू से। ये आपका एक्स वाई लाइन है, ये अगर एक्स वन वाई वन प्लेन है, ये आपका एक्स वाई रेफरेंस लाइन है। यहाँ पे एक्स वाई रेफरेंस लाइन से टॉप के जो डिस्टेंसेज है, टॉप व्यू के जो डिस्टेंस है, उनको मेजर करना है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस सेंस, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट ए, यहाँ पे मिलेगा पॉइंट बी। बी डिस्टेंस कौन सा है, रेफरेंस लाइन से नीचे का डिस्टेंस। आपको मिलेगा पॉइंट सी, आपको मिलेगा पॉइंट डी, और ऐसे ही आपको चार पॉइंट जब मिल गए, आप इन्हें ज्वाइन कर लेते हो। यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है आपका रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो है आपकी ट्रू शेप। ऑलराइट, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है, पहले ये बताओ। ये हमने वैसे कवर किया हुआ है, बट स्टिल इफ एनीवन आपने प्रैक्टिस भी किया होगा लास्ट वीक, कोई डाउट है किसी टाइप का? Anyone, if it's all good, I can move further. ठीक है, so यहां से आगे जब हम बढ़े थे, let me move further. हमने फिर क्लासिफिकेशन समझी थी ऑक्सिलरी व्यूज की। ऑक्सिलरी व्यूज की जो क्लासिफिकेशन है दो टाइप की है, एक है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, दूसरी है पार्शियल एंड फुल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का मीनिंग क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू है सिंगल व्यू प्रोजेक्टेड फ्रॉम वन ऑफ द सिक्स प्रिंसिपल प्लेन्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू प्रिंसिपल प्लेन से बनता है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू से बनता है, टर्शियरी ऑक्सिलरी व्यू सेकेंडरी ऑक्सिलरी प्लेन से बनता है। इसका मीनिंग क्या है, अगर ये क्वेश्चन को देखें, ये आपका x1 y1 जो रेफरेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये एक प्लेन है, ये आपका बेसिकली आपको दे रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू बेसिकली यूजिंग द सिक्स प्रिंसिपल प्लेन्स। तो इसमें से ये प्रिंसिपल प्लेन्स को यूज किया तो प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू मिला। अब अगर मैं बेसिकली अगर ध्यान से देखा, मैंने यूज क्या क्या किया, मैंने आपका फ्रंट व्यू यूज किया, जो एक प्रिंसिपल व्यू है आपका ए बी ए बी सी डी, इसको यूज करके ये व्यू मिला। अगर मैं इस ट्रू शेप एंड साइज वाले व्यू को यूज करके फर्दर कोई व्यू बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ लेट से इस तरह से आगे एक प्लेन मैंने ड्रॉ किया और उसके आगे कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं, तो उसे बोलता हूं सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू। आई एम श्योर सबके मन में थोड़ा सा डाउट होगा। आर्यन, कोई डाउट है आपको? ओके, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को भी डाउट होगा कि हमने सेकेंडरी ऑक्सिलरी व्यू बनाया ही क्यों, जब हमें यहाँ पे हमारी ट्रू शेप एंड साइज मिल चुकी है, जब आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही पूरा कर लिया, तो आपको यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है? विल टैकल दिस क्वेश्चन इन जस्ट वन और टू स्लाइड्स यूजिंग अ वेरी पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जहां पे आपको समझ आएगा कि आपको कुछ आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत क्या पड़ रही है। ऑलराइट, so let's move further. so classification में हमने ये भी दो views पढ़े थे, partial auxiliary view और full auxiliary view. partial auxiliary view का meaning ये होता है कि अगर आप सिर्फ उन्हीं portions को बनाते हो आपके auxiliary view के अंदर जिनकी सिर्फ true shape and size आपको पता करनी है, and rest of the component को आप free छोड़ देते हो। यहाँ पे ये कंपोनेंट काफी बड़ा है, हमने फ्रंट व्यू पूरा बनाया, टॉप व्यू पूरा बनाया, बट जब ऑक्सिलरी व्यू बनाया सिर्फ ये येलो पोर्शंस जिनकी ट्रू शेप एंड साइज हमें दोनों व्यूज में नहीं मिल रही थी, अगर हम उतना ही बनाते हैं तो आप बोलते हो ये पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू है। सो इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना। अगर पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू बोला है तो सिर्फ इतना ही ड्रॉ करो, अगर फुल ऑक्सिलरी व्यू बोला है दैट मींस आपको ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना है, तो अभी आपने सिर्फ यहां से प्रोजेक्टर्स लिए हैं एज व्यू से, आपको ये वाले छोड़ के बाकी सारे प्रोजेक्टर्स लेने हैं और आपको ड्राइंग कंप्लीट करनी है, सो दैट विल गिव यू द फुल ऑक्सिलरी व्यू। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स द क्लासिफिकेशन पार्ट। सो एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टिल नाउ? इफ नॉट आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, जहां पे आपको ये जी शौर्य,
जो x1 y1 जो लाइन है जी वो मतलब उसके लिए कोई डिस्टेंस नहीं है ना, वो कहीं भी रैंडमली नहीं, मार। इसका कोई डिस्टेंस नहीं है। यहां पे मैं कहूंगा कि जब मैंने पीपीटी बनाई है थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके बनाऊं मेरे व्यूज के ऊपर ना आए तो अच्छी बात ऑलराइट सर, है, ठीक है। मेरे प्रिंसिपल व्यूज को ना तंग कर रही हो कोई ये लाइन, तो ज्यादा बेटर है, इससे थोड़ी सी दूर नीचे करके बनानी चाहिए ओके सर। मुझे, ठीक। वो जो पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू होता है उसमें हमें हिडन लाइंस तो नहीं बनानी होती ना कोई भी? नहीं, पार्शियल ऑक्सिलरी व्यू में तो कभी हिडन लाइन आने का स्कोप होगा ही नहीं, बिकॉज इफ यू सी क्लियरली आपको सिर्फ ये पोर्शन ही ड्रॉ करना था, हाँ जी एंड इफ यू ओके। ग्रीन वाले में अगर जाके देखें कुछ है ही नहीं, हमें तो एक पूरा पार्ट पर ड्रॉ करने को बोला है ना, तो उसमें तो ओके चांस ही नहीं है कि आपकी हिडन लाइन कोई आए, बहुत ही कोई रेयर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, नहीं तो चांस ही नहीं। ओके वो तभी आएगा जब फुल आएगा ना, फिर हिडन लाइंस का कंसेप्ट है, क्योंकि फिर बाकी का ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई लाइन तो इंटरफेयर करेगी, यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, आई विल नॉट टेक दिस वन, आई विल टेक दिस वन। यहाँ पे हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे, अभी मैं एक थोड़ा सा रीकैप दे रहा था आपको कि यू कम बैक टू लाइक व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लेक्चर क्लासेस। सो अब यहाँ तक जो स्टोरी हमने समझी ऑक्सिलरी व्यू बनाने की, आपने सिर्फ ये 3 स्टेप समझे हैं, कि हमें ये बोला जाता है कि जब भी हमें किसी कंपोनेंट की ट्रू शेप एंड साइज पता करनी है, पता क्यों करनी है, क्योंकि वो फ्रंट व्यू टॉप व्यू और साइड व्यू के अंदर पूरी तरह से हमें नहीं मिल रही, तो हमें एज व्यू ढूंढना होता है। एज व्यू मिल जाता है तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैं पैरेलल में वो जो लाइन ड्रॉ करता हूँ वो x1 y1 लाइन होती है, x1 y1 लाइन के ऊपर मैं एज व्यू से प्रोजेक्टर्स गिराता हूँ परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर गिराने के बाद फिर मैं टॉप व्यू से उसके टॉप व्यू की रेफरेंस लाइन से टॉप व्यू के सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस मेजर कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ क्या कि मेरे को एज व्यू नहीं मिल रहा। इस पॉइंट को समझने में किसी को दिक्कत कि मेरे को यहाँ पे एज व्यू नहीं मिला? एज व्यू का मीनिंग ये होता है कि ये ब्लू लाइन या सॉरी ये ब्लू सरफेस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के अंदर कहीं पे एक लाइन की तरह दिख रही हो, मतलब ये जब मैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में देखूं ए बी सी शुड कम ऑन वन सिंगल लाइन। ये पॉइंट समझने में किसी को दिक्कत? इफ नॉट तो अब आगे देखते हैं। सो हमारा कंसेप्ट अभी तक क्या था कि हम एज व्यू ढूंढते हैं, एज व्यू के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं x1 y1, और फिर एज व्यू के जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहां से प्रोजेक्टर्स गिराते हैं परपेंडिकुलरली। पर यहाँ पे ये कंसेप्ट फेल हो जाता है, यहाँ पे मेरे को वो चीज करने को मिल नहीं रही बिकॉज मेरे पास एज व्यू ही अवेलेबल नहीं। ऑलराइट, सो अगर मेरे पास एज व्यू ही अवेलेबल नहीं है, सो स्टेप में यहाँ पे वो स्टेप्स जो मैंने आपको बताए हैं ना वो अभी भी अप्लाई होंगे, बट एक फर्दर स्टेप ऐड हो जाएंगे यहाँ पे कुछ। वो क्या है? यहाँ पे अभी हमें क्या करना होगा कि मुझे ढूंढनी होगी ट्रू लेंथ, क्योंकि एज व्यू के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखो एज व्यू आपकी ट्रू लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन अगर पीछे जाके वो ग्रीन वाली इंक्लाइन सरफेस भी देख के आए ना, बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट दिस ए डी और बी सी लाइन दिस वाज द ट्रू लेंथ, आई होप यू रिमेम्बर, एज व्यू के अंदर ट्रू लेंथ मिल रही होती है। बट जब यहाँ पे आके मैं देख रहा हूँ मुझे यहाँ पे एज व्यू तो नहीं मिल रहा पर कुछ ट्रू लेंथ मिल रही है, कोई मुझे बता सकता है मुझे कौन कौन सी ट्रू लेंथ मिल रही है? A'C' ए एंड बी ए डैश ए सी डैश A'C' एंड AB। ए डैश सी डैश एंड ए बी, सी डैश एंड ए बी, ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किए हैं, इसका रीजनिंग बता सकते हो? अगर मैं कहूं कि ये ब्लॉक को नहीं देखना, विदाउट लुकिंग एट द ब्लॉक, कैन यू टेल मी हाउ डिड यू लाइक अराइव एट दिस इंफरेंस? सर अगर हम लाइक दोनों इमेजेस को कंपेयर भी करें तो मतलब बीसी नहीं हो सकता, एलिमेंट ज्यादा दोनों में डिफरेंट आ रहा है। नहीं, ये चीज आप मतलब आपने, अगर ये मैं ब्लॉक को, मैं अगेन रिपीट करता क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ इस ब्लॉक को मत देखो, यू डिडंट हैव दिस ब्लॉक, यू जस्ट हैड द फ्रंट व्यू एंड द टॉप व्यू, कैन यू देन आल्सो फाइंड आउट व्हिच इज द ट्रू लेंथ? आपका आंसर करेक्ट है, ए डैश सी डैश इज द ट्रू लेंथ एंड ए बी इज द ट्रू लेंथ, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई एम सेइंग डू नॉट लुक एट द ब्लॉक एंड देन आल्सो कैन यू इन्फर दिस लाइक इंफॉर्मेशन कि नहीं? सर जो भी स्लांटेड लाइंस होती हैं दे आर यूजुअली द ट्रू लेंथ्स।
जो भी स्लांटेड लाइंस, फॉर एग्जांपल कोई नेम करना, बेड़ा सीधा सा नहीं भी, फॉर एग्जांपल दे आर नॉट नहीं ऐसे तो इन अ नहीं कह पर्टिकुलर, सकते, नहीं हमारे प्रिंसिपल ने सर लाइक ऐसे ही बताया था कि जो भी एंगल पे होती है लाइंस दे आर यूजुअली द ट्रू लेंथ। ये थोड़ा मिस इन्फॉर्म कर गए आपको। मैं इसको रीफ्रेज करता हूँ, उन्होंने जो बताया ना उसको रीफ्रेज करना पड़ेगा मुझे। आप देखो कि कौन से व्यू, दोनों व्यूज को देखो और ये ध्यान से देखो कि कहाँ पे लाइन पैरेलल है। पहली चीज ये इंफॉर्मेशन करो, ठीक है? पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है? एक्स वाई लाइन को, मैंने से पैरेलल एक्स वाई लाइन को पैरेलल लाइन बताओ कौन कौन सी ए है। डैश बी डैश एंड ए सी। ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई, बिकॉज ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई, यूल गेट ए बी एज द ट्रू लेंथ। Because AC is parallel to XY, you'll get A dash C dash as the true length in the front view. I'll repeat again. Because A dash B dash is parallel to XY, you'll get AB as the true length in the top view. Because AC is parallel to XY, you'll get A dash C dash as the true length in the front view. ये स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना है। एक व्यू के अंदर अगर कोई लाइन पैरेलल है एक्स वाई को, दूसरे व्यू के अंदर उसकी ट्रू लेंथ मिलेगी, ठीक है? सो अगर ये ब्लॉक ना भी दिया होता आपको, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है ना, चांसेस हैं आगे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज वगैरह का आपका एक पेपर होगा, ये फंडामेंटल नहीं भूलना जो लाइन एक व्यू के अंदर एक्स वाई को पैरेलल है दूसरे व्यू के अंदर उसकी ट्रू लेंथ देगी। आप ऐसे करो ना, आप अपनी एक कोई, अगर आपके पास एक नोटबुक पड़ी हुई है, जैसे मैंने आपको क्लास के अंदर ओपन करके दिखाई थी 90 डिग्री पे, एक स्केल लो, स्केल या पेन रख के उसको यही वाला फंडा लगा के देखो। एक चीज, एक प्लेन को वो परपेंडिकुलर होगा आपका पेन, एक के साथ एंगल बना रहा होगा, तो ये स्टेटमेंट वहां पे अप्लाई होती है कि नहीं? जस्ट डू दिस एक्टिविटी व्हेनेवर यू आर फ्री, उससे समझ आ जाएगा। कोई डाउट इस स्टेटमेंट के अंदर? पहली बात ये, कोई सर डाउट ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? ये हम वैसे पहले भी कर चुके हैं। आप, मैं कह रहा हूं ना, जैसे कॉपी लो, कॉपी को बेसिकली 90 डिग्री पे ओपन करो, पेन होगा हाथ में, आप ऐसे करो कि आप उसके अंदर वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना दो और टॉप प्लेन के ऊपर तो 90 डिग्री हो जाएगा पेन, है ना? यस सर। उस व्यू को इमेजिन करने की कोशिश करो, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू लाइक सी ईच अदर प्रॉपरली, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बट ट्राई टू सी। कभी पेन को पैरेलल रखो हॉरिजॉन्टल प्लेन को और वर्टिकल प्लेन को, तो दोनों में ट्रू लेंथ मिलेगी, इतना अग्री करते हो? यस सर। और अगर एंगल बनाओगे एक प्लेन के साथ, तो एक के साथ एंगल बनेगा बट दूसरे के अंदर क्या कहते हैं वो 90 डिग्री रहेगा, तो वो व्यूज के अंदर जहां पे एंगल बन रहा है उसके ऑपोजिट व्यू में वो आपको ट्रू लेंथ नहीं मिल जाएगी, ठीक है? ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करके देखो, आपको क्विकली समझ आ जाएगा, बिकॉज वी कांट सी ईच अदर, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बट इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सो ये स्टेटमेंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जरूर याद रखो, इतना भी याद रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो लाइन एक व्यू के अंदर एक्स वाई लाइन को पैरेलल है दूसरे व्यू के अंदर वो उसकी ट्रू लेंथ दे रही है, ठीक है? सो हियर वी आर गेटिंग ए डैश सी डैश एज द ट्रू लेंथ बिकॉज ए सी इज पैरेलल टू एक्स वाई इन द टॉप व्यू। वी आर गेटिंग ए बी एज द ट्रू लेंथ बिकॉज ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई इन द फ्रंट व्यू। सो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे क्या? हम करेंगे ये कि हम एक ट्रू लेंथ को पकड़ लेंगे, वो ट्रू लेंथ है फॉर एग्जाम्पल, आप वैसे ए डैश सी डैश भी पकड़ सकते हो, आप ए बी भी पकड़ सकते हो। मैंने जो एनिमेशन सेट किए हैं मैंने ए डैश सी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग किए, बट आप ए बी को पकड़ के भी सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा आपका। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो मैंने ए डैश सी डैश की ट्रू लेंथ को पकड़ लिया, तो अब मैं अगेन रिपीट करता हूं, पहले हम क्या कर रहे थे? हम पहले क्या कर रहे थे? हम एज व्यू ढूंढते थे, ठीक है? जिस सरफेस को बेसिकली हमें बनाने को बोला गया है कि उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन दो, हम देखते थे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू के अंदर कहां पे वो एज की तरह रिप्रेजेंटेड है। हम एज व्यू ढूंढते थे, एज व्यू के पैरेलल में एक प्लेन ड्रॉ करते थे, वहां से प्रोजेक्टर गिराते थे। पर इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या आ गई? हमारे पास एज व्यू ही नहीं है,
तो हमें पहले एज व्यू बनाना पड़ेगा। अब एज व्यू कैसे बनाते हैं, हमें ढूंढना होगा कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू के अंदर कहां पे हमें ट्रू लेंथ मिल रही है किसी भी लाइन की। हमने पता कर लिया कि ए डैश सी डैश आपकी ट्रू लेंथ है। जब हमें ये पता लग गया कि ये ट्रू लेंथ है, इसके परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एज व्यू के पैरेलल होती है, ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। इट इज अ प्रोसीजर, सो यू नीड टू नोट इट डाउन। एज व्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है, ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होती है। तो मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये बनेगा मेरा प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लेन। अब जो पहले हम फंडामेंटल्स की मैंने आपको कहा था ना कि एग्जांपल बताऊंगा, वो यहाँ बता रहा हूँ। प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लेन, सेकेंडरी ऑक्सिलरी प्लेन, टर्शरी ऑक्सिलरी प्लेन, क्या जरूरत पड़ती है? ये जरूरत पड़ती है कि अब मैं एक प्राइमरी ऑक्सिलरी प्लेन बना रहा हूँ एक्स वन वाई वन टू एक्चुअली फाइंड आउट द एज व्यू फर्स्ट, एंड फ्रॉम द एज व्यू आई विल ड्रॉ अ सेकेंडरी ऑक्सिलरी प्लेन टू एक्चुअली गेट द ट्रू शेप एंड साइज। यहां तक किसी को कोई डाउट? ए बी भी तो ट्रू लेंथ है, उसके परपेंडिकुलर कर सकते हो आप। मैंने वही अभी दो मिनट पहले वही बता रहा था कि मैंने जो एनिमेशन सेट किया ना आपको समझाने के लिए, आई एम यूजिंग ए डैश सी डैश, बट इफ यू अप्रोच द प्रॉब्लम यूजिंग ए बी, 100% आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। तो स्टेप माय, अब यहां से क्या करेंगे, आपको बेसिकली आपकी एक्स वन वाई वन ऑक्सिलरी प्लेन मिल गया, सेम प्रोसीजर, प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करो। कहां से ड्रॉ करेंगे? ए डैश सी डैश और बी डैश से। कैसे ड्रॉ करेंगे? परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी भी हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सिस्टम के अंदर है। सो यहां से मैं प्रोजेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूं। अब यहां पे डिस्टेंस कौन सा मेजर करेंगे, मेरे को आप लोग थोड़ा सा हिंट कर सकते हो? अब x1 y1 के आगे मुझे यहाँ पे पॉइंट्स लगाने हैं a b और c के कोरिस्पोंडिंग। मैं कौन से मैं डिस्टेंस कहाँ से मेजर करूँ? सर, xy लाइन से b पॉइंट तक और xy लाइन से a पॉइंट तक। बिल्कुल करेक्ट। किसी को अगर इस बात में डाउट है ना, तो यहाँ पे आई वुड से कि चीट शीट समझ लो एक तरह की, ठीक है। जैसे एक वो होता है ना कि मतलब चीट कोड्स होते हैं गेम्स के अंदर, वो है कि दो प्लेन्स हैं, एक एक्स वन वाई वन है, एक एक्स वाई है। ऑक्सिलरी के अंदर हमेशा ऐसी एक सिचुएशन बनेगी ना कि बेसिकली एक इंटरनल एरिया बन गया और एक इधर एक्सटर्नल एरिया बन गया, ठीक है ना। तीन एरियाज हैं, एक एरिया बाहर हो गया, एक एरिया इंटरनल एरिया हो गया और एक फिर से एक्सटर्नल हो गया। तो दो एक्सटर्नल एरियाज हो गए, दो इंटरनल, एक इंटरनल एरिया हो गया, राइट। इस बात को समझने में दिक्कत कि ये डायग्राम को तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, एक एक्स वाई लाइन के नीचे, एक एक्स वन वाई वन के बाहर और एक एक्स वाई और एक्स वन वाई वन के अंदर, ठीक है। इन तीन एरियाज में जब भी आपके पास सिचुएशन फंसती है, हमेशा डिस्टेंस जो मेजर करने है ना, ध्यान रखना बाहर वाले दोनों एक्सटर्नल्स को मेजर करो। तो बेसिकली मीनिंग क्या है, ये डिस्टेंस अगर मुझे यहाँ पे ए पॉइंट अगर मार्क करना है, ये एक्सटर्नल वाला जो कर रहा हूं मैं, वो यहाँ पे एक्सटर्नल वाला ही चुन लो, ये डिस्टेंस चुनूंगा मैं ए का, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे बी और सी मार्क करने हैं तो बी का और सी का। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये डिस्टेंसेस मार्क होंगे, ए और सी सेम लाइन पे है ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मार्क कर दिए, ये एक्स वाई से बी का डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मार्क कर दिया। सो यू कैन कॉल इट एज अ चीट शीट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कि आपके पास तीन हिस्सों में डायग्राम बट रही है, एक एक्सटर्नल एक्स वाई के नीचे, एक दूसरा एक्सटर्नल एक्स वन वाई वन के नीचे और एक इंटरनल एक्स वाई और एक्स वन वाई वन के अंदर। अंदर वाला कभी नहीं लेना बस। कोई डाउट? सर, इसमें एक डाउट है सर, सी वन बता दो एक बार। पहले एक मिनट, सॉरी, कुछ पूछ रहे थे आप, क्या कह रहे थे? सर, जब हम एक्स वाई लाइन से बी पॉइंट पे देखते हैं तो हमें सी पॉइंट भी सेम लाइन पे दिखता है, तो हमने सी पॉइंट को ए वाले पॉइंट के साथ वाली लाइन पे क्यों ड्रॉ किया? सर, ये थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वो देखो प्रोजेक्शन कहाँ से आ रही है, मेरा एरो दिख रहा है? यस सर। इसलिए सी इधर ड्रॉ किया है, क्योंकि प्रोजेक्शन यहां से ले रहे हो, डिस्टेंस यहां से ले रहे हो। आई होप यू एग्री कि सी वन इधर ही आएगा, राइट? यस, ओके सर। प्रोजेक्टर्स को भी ध्यान में रखना है ना, प्रोजेक्टर्स को नहीं भूल सकते। ये ब्लू लाइंस जो आ रही हैं, बी अकेला आ रहा था, अकेला रहेगा। ए और सी एक ही लाइन पे आ रहे थे, एक ही लाइन पे रहेंगे। हाँ, ये है कि उनके डिस्टेंस बराबर है तो दोनों बराबर हो गए। ओके सर, ठीक है। किसी ने कुछ सी वन क्या बोला था, किसी ने अभी क्या डाउट था? सर, डाउट क्लियर हो गया। ओके ओके, सो ये ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीजें, पर ये चीज का ध्यान हमेशा रखना, दो के बीच का, दो प्लेन्स के बीच वाले डिस्टेंस को इग्नोर करो,
बाहर वाले ले लो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो यहां तक अगर आ गए, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन गया आपका, ये एजव्यू बन गया, ठीक है। एजव्यू का मीनिंग क्या होता है कि आपके तीनों वर्टिसेस एक ही लाइन पे आ जाए और आपका एरिया जीरो हो जाए उस सर्फेस का। तो हमने कर ली वो बात। सो हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी व्यू बनाया यहां पे यूजिंग द ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर प्लेन लिया था, ये बात हमेशा याद रखनी है। तो अब बताओ कि ये अगर आपकी एज व्यू आ गया आपके पास, अब क्या करेंगे, इसके पैरेलल बस ये बात को भूलना नहीं, ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर, एज व्यू के पैरेलल। तो यहाँ पे अब एक x टू y टू प्लेन बना लो, x टू y टू प्लेन अगर आप बनाओगे वो बनेगा इसके पैरेलल, ठीक है। अब आगे यहां से आपने पैरल बनाया, फिर इसके प्रोजेक्टर्स इसके परपेंडिकुलर गिराने हैं, ये बात नहीं भूलनी। स्टूडेंट्स इसी को एक्सटेंड कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं, प्रोजेक्टर्स हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ये कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द ऑर्थोग्राफिक। सबसे कॉमन मिस्टेक है ये दो तीन फंडामेंटल्स मत भूलना, ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर होगा प्लेन और एज व्यू के पैरल होगा प्लेन, प्रोजेक्टर्स हमेशा परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के। तो अब यहाँ पे जब हो गया, अब जो मैंने आपको वो थोड़ा सा एक चीज समझाई थी, मुझे अब ये बताओ कि मैं डिस्टेंस कहां से मेजर करूं, यहां पे मुझे अब ट्रायंगल बनने को मिलेगा, मैं डिस्टेंस कहां से लेके सर, x1 y1 से b और a'c'। किस किस को लगता है कि ये करेक्ट है, वो कह रहे हैं कि मैं ये वाला डिस्टेंस मेजर करूं, c' का ये वाला डिस्टेंस, a' का ये वाला डिस्टेंस और b' का ये वाला डिस्टेंस, यहां पे मार्क करो कुछ इस तरह से। यस सर। अग्री कर रहे हो कि मैं अंदर वाले एरिया को कभी टच नहीं करूंगा, दो लाइंस मुझे मिल रही हैं, x दो प्लेन्स हैं, x1 y1, x2 y2, इसके एक्सटर्नल इधर और इसके एक्सटर्नल इधर डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स मैं एक्चुअली जो उन्होंने बोला है वैसे लेके आया हूं। ये x1 y1 से ये वाला डिस्टेंस मैंने मेजर किया, b' मैंने x1 y1 से यहां तक मेजर किया और a' मैंने यहां तक मेजर किया और ये सारे डिस्टेंसेस को यहां तक प्लॉट कर दिया x2 y2 से रिलेटिवली, और ये आपको दे देता है आपका ट्रू प्रोजेक्शन। किसी को कोई डाउट? इट्स ऑल गुड, आई विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। थोड़ा सा वो भी एक ट्रिकी पार्ट है, वो समझ जाओगे मेरे ख्याल से फिर आपको कोई क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये नहीं, ये छोड़ देते हैं, वो एक पर्टिकुलर, हाँ ये वाला। अब ये क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ कि अब मैं क्या करूं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया जिसमें एज व्यू था, एक क्वेश्चन समझाया अभी पिछले वाला जिसके अंदर एज व्यू नहीं था, इसके अंदर क्या हो रहा है ये बताओ जरा। तो इसके अंदर कोई भी साइड एक्स वाई के पैरेलल नहीं है। ओके, करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी ट्रू लेंथ नहीं मिलेगी। बिल्कुल करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो अब फिर क्या करूं मैं? दोनों ऑब्जर्वेशंस करेक्ट हैं, एब्सोल्युटली बैंग ऑन है, बट अब फिर अब इसका मेरे को ऑक्सिलरी प्रोजेक्शन तो चाहिए, तो मैं क्या करूं सर? पहली लाइन हम ऐसे बना लेंगे जैसे b' c' के परपेंडिकुलर, ताकि हमको b' c' एक उस पे मिल जाए। b' c' के, सॉरी आप कह रहे हो कि b' c' के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, हाँ, ताकि हमको b' c' एक उस पे मिल जाए, या हम वैसे उस a' c' के परपेंडिकुलर बना सकते हैं ताकि हमको a' c' कोई भी दो पॉइंट्स एक पॉइंट पे मिल जाए, दूसरा पॉइंट जो भी थर्ड पॉइंट रह जाएगा। बट मैंने आपको जो फंडामेंटल बताया था, मेरी वाली वो सारी स्टेटमेंट्स को याद करो, मैंने कहा था ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर जाऊंगा, पर यहाँ अभी जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट्स ने पॉइंट आउट किया है कि कोई भी लाइन किसी भी व्यू के अंदर पैरेलल है ही नहीं किसी प्लेन को, तो कोई ट्रू लेंथ है ही नहीं। अगर कोई ट्रू लेंथ ही नहीं है तो ये परपेंडिकुलर वाला तो मेरा प्रोसीजर मैं नहीं अप्लाई करने दे सकता आपको। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? यस सर। जब तक मेरे पास ट्रू लेंथ ना आए मेरा वाला प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लगाओ कि अगर कोई लाइन पैरेलल नहीं है, क्या मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इसी मतलब
क्या कहते हैं क्वेश्चन के अंदर ही कोई ऐसी चीज कर सकती है कि मैं खुद से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पैरेलल, उसको फिर कुछ प्रोजेक्शंस बना के उसकी ट्रू लाइन ढूंढ लेते हैं और फिर वहां से मेरे वाला प्रोसीजर फिर अप्लाई कर देते हैं। So what I'm trying to... एक imaginary point ले सकते हैं ना वो फिगर के अंदर या फिर बाहर, तो फिर वो एक हमारे को लेंथ मिल जाएगी, वो वही बोल रहे ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो imaginary point मैं लूंगा, पता है कहाँ पे मैं लूंगा, यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी ले सकते हो, बट यहाँ लेने में जैसे simplicity सी लग रही है। सी डी मैं पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ एक्स वाई के, ठीक है। So, अगर ये मैंने पैरेलल ड्रॉ किया, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप नाउ? सो इसके पैरेलल फ्रंट व्यू में भी एक बनाएंगे। इसके पैरेलल, तो अभी मैं करूं क्या, मुझे ऊपर डी चाहिए, डी डैश चाहिए, डी डैश ऊपर, मैं सीधा इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? यस सर, यस आई कैन। यही तो करते हैं, ए डैश किया हुआ है, बी बी डैश किया हुआ है, सी सी डैश किया हुआ है, तो डी डी डैश भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। सो डी डैश मिल गया, सो मैं सी डी सी डैश डी डैश को ज्वाइन कर देता हूँ। सो डू यू नाउ अग्री दैट सी डैश डी डैश विल बी द ट्रू लेंथ बिकॉज सी डी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है। अब मेरे पास ट्रू लेंथ आ गई, जैसे ही मेरे पास ट्रू लेंथ आ गई, चाहे वो ज्योमेट्री जैसे भी हो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा प्रोसीजर कि अब ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर एक बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे प्लेन, एक्स वन वाई वन रेफरेंस लाइन हमारी आ गई। अब यहां पे जैसे ही ये आ गई, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, प्रोजेक्टर्स गिराएंगे, सारे प्रोजेक्टर्स गिरा दो। अगर प्रोजेक्टर्स गिराए, अब डिस्टेंस मेजर करेंगे, डिस्टेंस आपको पता है कि दो प्लेन्स के अंदर वाले नहीं लेने, बाहर वाले एक्सटर्नल डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। सो मैं ये वाला ए का डिस्टेंस, ये वाला डी का डिस्टेंस, वैसे जरूरत पड़नी नहीं, ये वाला बी का डिस्टेंस, ये वाला सी का डिस्टेंस, ये वाले मेजर करके मैं यहाँ लगा देता हूँ और ये आ जाएंगे आपके इस तरह से, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये आपका बन गया एज। तो कोई डाउट? ऑल क्लियर, मतलब पॉइंट समझ गए ना, मतलब हमेशा स्टेप्स आपके वही हैं। ट्रू लेंथ, अगर आपके पास कोई भी एज व्यू नहीं मिल रहा तो ट्रू लेंथ ढूंढनी है, ट्रू लेंथ नहीं मिल रही तो ये क्वेश्चन भी आपको एक मैंने थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना एडवांस क्वेश्चन भी करके बता दिया, पूरा नहीं मैं सॉल्व कर रहा क्योंकि यहां से अब क्वेश्चन बराबर है, ये ए सी बी आ गया आपके पास एज व्यू, एज व्यू के आगे आपको क्या करना है, एक पैरेलल प्लेन ड्रॉ करना है, पैरेलल प्लेन ड्रॉ करके फिर उसके प्रोजेक्टर्स आपको आगे एक्सटेंड करने है, एक्सटेंड करने के बाद ये वाले डिस्टेंस मेजर कर लेने हैं, ये आपको ट्रू लेंथ हो जाएगा। सर ये जरूरी नहीं है ना कि एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हमारे को अभी भी प्रॉपर एज व्यू मिला नहीं, अब आपको एज व्यू ही मिला है क्योंकि आपने ये ट्रू लेंथ के परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ओके, this will definitely 100% give you the edge view. So then what is the use of a tertiary view? Oh, मतलब हमारे पास हम अगर ये parallel वाली चीजें कर सकते हैं तो फिर हमारे को secondary I get your point. ऐसा है कि अभी तक अगर आप ध्यान से देखो आपके questions के अंदर ना सारे how should I put it sharp edges हैं, curvatures नहीं आए। Have you noticed okay. it? Okay. Yes sir. Yes sir. वो क्वेश्चंस आपका पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो दे गेट वहां पे आपके फिर टर्शियरी व्यूज भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके सर, आई होप यू अंडरस्टैंड, लाइक कैन विजुलाइज दैट पार्ट के yes, अभी yes, शार्प एजेस हैं तो यहाँ पे दो में बात बन जाती है, अगर कर्वेचर्स आ जाए, मैं कहता हूँ स्कूप, जैसे लेट्स से इमेजिन अ सिनेरियो वे आइसक्रीम का एक स्कूप निकालते हो कहीं से, अब उसके अगर ट्रूथ शेप और वो डिजाइन करने की बात आएगी, यू विल नीड अ फर्दर, बट यहाँ पे दो व्यूज में आपकी बात हो जाती है, बट द एंटायर पर्सपेक्टिव टुडे फ्रॉम माय लाइक माइंड वाज कि आपको ये तीनों चीजें क्लियर कर दूं, वो जैसे आपको ग्रीन वाला इंक्लाइन प्लेन वाला मैंने प्रॉब्लम कराया, सिंपल प्रॉब्लम, उसके जैसे सारे हो जाते हैं, फिर ये जो ये वाला करवाया इससे थोड़ी क्लैरिटी आती है, ये वाला क्वेश्चन जो था ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और फिर ये एक क्वेश्चन आपकी ट्यूटोरियल शीट में भी है ऐसा ही कि जहाँ पे ट्रू लेंथ ही नहीं दी हुई, पर ये है कि जैसे आज मुझे ये समझ आया कि कई स्टूडेंट्स का यही डाउट है कि ट्रू लेंथ कैसे देखते हैं, सो ट्रू लेंथ इस तरह से दिख जाती है,
कोई लाइन अगर पैरेलल नहीं है एक्स वाई लाइन को, दूसरे व्यू में उसकी फिर ट्रू लेंथ है ही नहीं हमारे पास। सो ये पैरेलल वाले कंसेप्ट से देखना है, और कोई तरीका नहीं है देखने का। वैसे यहाँ पे ट्रू लेंथ यहाँ से भी देख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये ड्रॉइंग डी हो ना तो यहाँ से पता लग जाता है कि अच्छा इधर से देखते ये ए सी ट्रू लेंथ है फ्रंट के अंदर, ये ए बी ट्रू लेंथ है टॉप से। बट मैं चाहता हूँ कि इसके बिना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सो एनी डाउट्स? ये इसी में सो जो आपने अभी टॉप व्यू पे बनाया था ना वो जो पैरेलल लाइन उस वाले क्वेश्चन में, तो उसको हम टॉप व्यू की जगह अगर फ्रंट व्यू पे बनाए वही सेम पैरेलल लाइन एंड उसको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करें, देन आल्सो इट विल बी सेम राइट? हाँ कर सकते हैं, बट जैसे मैंने एक बात कही ना, कई बार सिंपलिसिटी भी देखनी होती है कि ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही है। यहाँ से सीधा पैरेलल ड्रॉ करनी आसान लग रही है, यहाँ से भी आप कर सकते हो ना, इट्स द सेम थिंग। या आई एग्री 100%, यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन हियर, प्रोजेक्ट इट डाउन, इट विल बी द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम। समटाइम्स जस्ट टेक इट फॉर लाइक दिस, मुझे जो स्क्रीन स्पेस यूटिलाइज करनी होती है ना पीपीटी के अंदर, वी गो बाय द सॉल्यूशन इन दैट वे। कई बार यहाँ से जैसे मुझे ये लाइन यहाँ ड्रॉ करने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होता है कि मेरे पास स्क्रीन स्पेस अच्छी अवेलेबल है, बट यू कैन डू द सेम क्वेश्चन द ऑपोजिट वे एज वेल। यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते थे प्रोजेक्टर्स गिरा के, ये ट्रू लेंथ मेजर करके और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आके एक कर सकते हो, नथिंग एल्स। Alright, so with this we end with perspective, we end with auxiliary views. इसके साथ आपके auxiliary views खत्म हो गए, and I think आपका इस coming Saturday को एक second bi-weekly test होगा. It will be about auxiliary views and section of solids. Hopefully मेरे ख्याल mail आ जाएगी आपको, but आप लोग be prepared about it. ठीक है, auxiliary views और section of solids को लेके आपका bi-weekly ready होगा इस Saturday को. I think we still have 5 minutes. Before we leave, I'll start with a new topic. आपको थोड़ा सा उसका hint दे देता हूँ. Just give me a second. Yeah, I think इधर से हम समझ सकते हैं. Okay. I'll talk about this picture. So the next topic is about perspective views. ठीक है, पहली बात ये समझना कि अब जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें काफी डिफरेंस आने वाला है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा अभी तक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्ट, हमने पढ़ा अभी तक स्टार्ट किया था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद हमने आई थिंक सेक्शन ऑफ सॉलिड्स किया है, उसके बाद हमने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन किया है, और अभी हमने ऑक्सिलरी व्यूज खत्म किया है। इन सब के अंदर अगर आप देखा जाए ध्यान से, हमारी एक स्टेटमेंट होती थी जो मैं बार बार अभी पहले भी बोल रहा था, अब वो स्टेटमेंट एक तो हटने वाली है। कि मेरी स्टेटमेंट क्या होती है कि आपके जो प्रोजेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन को, वन, और वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। ये स्टेटमेंट यहाँ पे अब टूट जाएगी, ये स्टेटमेंट नहीं मैं दूंगा यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वन। दूसरी बात, पर्सपेक्टिव व्यू होते क्या है ये समझना जरूरी है। पर्सपेक्टिव व्यू आपके 3D representations ही है। ये बात को क्लियर कर लेते हैं कि perspective views 3D representation ही है। फिर आप कहोगे कि सर वो तो हमने isometric projection में कर ली, अगर 3D representation ही है तो वो वहां पे हो चुका है, अब आप क्या बात कर रहे हो? डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि isometric views के अंदर मैं हमेशा कहता था कि हम ट्रू शेप एंड साइज ही निकाल रहे थे उसका, चाहे रिड्यूस स्केल पे निकाल रहे थे, चाहे हम बेसिकली उसकी फुल स्केल ड्रॉइंग बना रहे थे या प्रोजेक्शन बना रहे थे, हम फिर भी ट्रू शेप एंड साइज पे रहते थे। यहाँ पे आपकी ट्रू शेप एंड साइज नहीं रहती, यहाँ पे आपको जो विजुअलाइजेशंस बना के दिखानी होती है दे आर मोर रियल वर्ल्ड। व्हेन आई से रियल वर्ल्ड, बेसिकली जैसे आपकी आंखों को चीजें दिख रही हैं वैसे ही आप बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हो। उसको समझने के लिए ना ये 2-3 पिक्चर्स मैंने लिए आपको समझाने के लिए। ये पिक्चर जैसे सामने है, ये किसी कैमरा पर्सन ने लिया है फोटो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, मेरे को पहले आप ये बताओ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है इस पिक्चर को लेके, व्हाट इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू कैन नोटिस? कोई ऑब्जर्वेशन है इस चीज को लेके कि ये पिक्चर के अंदर क्या ऐसी के साथ चीजों का साइज चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जो चीज
राइट. सो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑप्टिकल इल्यूजन है कि नहीं? यस सर, काइंड ऑफ है ना. ऑप्टिकल इल्यूजन किस चीज की है कि बेसिकली आपकी जो लैंप पोस्ट है, स्टार्टिंग में लैंप पोस्ट की हाइट आपको कुछ दिख रही है, सेकंड लैंप पोस्ट की हाइट भी आपको दिख रही है, धीरे 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 आपको ऐसा लग रहा है कि लेट्स से दिस वाज 5 मीटर्स, दिस इज समवेयर अबाउट 4.5, दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 3.5, यहाँ पे तो जीरो लग रहा है, राइट. सो एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है. ऐसे ही अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये वाली पिक्चर देखता हूँ रेलवे ट्रैक्स, अगेन एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो विड्थ आपको इस रेल ट्रैक की लग रही है, धीरे 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 जाके आपको लग रहा है जीरो हो गई. सेम चीज यहाँ पे भी हुई थी कि यहाँ पे ये लेंथ धीरे हाइट जो है जाते 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 जीरो हो गई. कैन आई यूज अ वर्ड व्हेन आई से हाइट वैनिश हो गई? एक पॉइंट के ऊपर जाके आपकी हाइट वैनिश हो गई, एक डिस्टेंस के ऊपर जाके आपकी विड्थ वैनिश हो गई. पर ऐसा होता नहीं है, पर ऐसा लगता जरूर है और ये रियल वर्ल्ड में भी आपको लगता है, ऐसा एक्चुअली होता है. ऑलराइट, ऐसे ही आप अगर ऐसी एक बिल्डिंग्स के जोन में से जा रहे हो, कैन यू नाउ इमेजिन एंड विजुलाइज दीज लाइंस, दीज ब्लैक लाइंस? कहीं ऐसा भी आपको फिर से ऐसा लग रहा है ये जाके कहीं ना कहीं जाके फिर से वैनिश हो रहा है, एक वैनिशिंग पॉइंट लग रहा है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, कि एक पॉइंट, एक पर्सपेक्टिव से आप अपनी ड्राइंग को बनाते हो. सो बेसिकली अगर इन तीनों को मैं कल और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैमरा पर्सन ने कितना फोकस किया है, फोकस कैसे एडजस्ट किया. फोकस मींस इस पर्सन और कैमरा के लेंस के बीच में डिस्टेंस हम फोकस मेजर वो कर सकते हैं ना, गेज ज्यादा रखना है कम रखना है, वो डिस्टेंस को कितना रखा जाए और मेरा कैमरा पर्सन कहाँ पे स्टैंड करे, वो क्या यहाँ पे कॉर्नर में खड़के फोटो ले, क्योंकि अगर वो फोटो यहाँ से खड़के लेगा फोटो अलग आएगी, अगर वो फोटो सेंटर से लेगा तो फोटो थोड़ी अलग आएगी, थोड़ा इधर से लेगा फोटो अलग आएगी. सो ये कहाँ से फोटो ले रहा है ये बात, और वो कितने डिस्टेंस के अंदर जाके वो फोटो ले रहा है ये बात. इन दोनों चीजों को जब हम बेसिकली ध्यान में रखते हैं और फिर अपनी ड्रॉइंग को बनाते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल एज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. इसका एप्लीकेशन क्या है मैं आपको कल बताता हूँ, इसका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है. ऑलराइट, अगर फिर भी कोई हिंट लेना चाहे, कैन यू लाइक टेक अ गेस कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती होगी? जब हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, ये व्यूज मैं क्यों बना रहा हूँ? कोई मेरे को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बता सकता है? बड़ी हैवी है, लाइक इट्स अ बिग इंडस्ट्री. लेट मी टेक, क्या कहते हैं, लेट मी टेल यू, गेम्स खेलते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी? यस सर. जैसे आपका पर्सन होता है गन होल्ड करके खड़ा होता है और फिर आगे बेसिकली वो पूरे मैनूवर करते हो आप उसको पूरी गेम के अंदर, दैट इज द एंटायर वर्ल्ड ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस. आपको सब कुछ रियल नहीं फील होता एक तरह से, कि सब कुछ रियल सा लग रहा होता है, बिकॉज वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया होता है. या आपकी वर्चुअल रियलिटी, वो जो आंखों के ऊपर आप बेसिकली वो वर्चुअल वीआर कैमरास पहन के गेमिंग करते हो आप बेसिकली, दैट इज अगेन द एंटायर लाइक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन सिस्टम. सो इनका यूज बहुत हैवी है. ऑलराइट, फॉर कंप्यूटर साइंस पीपल इट्स एक्चुअली द मोस्ट यूज्ड प्रोजेक्शन सिस्टम. सो हम इसको कल इन डेप्थ स्टडी करेंगे कैसे बनते हैं, क्या होते हैं. आज के लिए सेशन यही एंड करते हैं. ऑलराइट, सो लेट द सेशन. All right. Thank you, guys. We'll meet tomorrow. Thank you, sir. Thank you, sir.